राधा कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपिका। आज की जो रेसिपी है दिस इज वेरी यम एंड इजी टू मेक। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बीटरूट जिसे मैंने धो के साफ कर लिया था उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद इसे हम एक मिक्सी जार में थोड़े से पानी के साथ एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल के अंदर 2 कप मैदा लेके उसको अच्छे से छान लेंगे। उसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे और उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसको हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जब हमारा डो तैयार हो जाए तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसको चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और उसके बाद हम इसे ढक के 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इतने हम दूसरे बाउल के अंदर 2 चम्मच चीज़, यहाँ मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1 टीस्पून मैंने पेरी पेरी मसाला और 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन पेस्ट लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्न लिए हैं, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। फिर हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के जो हमारा डो था उसे हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। डो को स्मूथ करने के बाद एक लोई लेके उसे हम बेल लेंगे। बेलने से पहले थोड़ा सा नीचे मैदा जरूर डाल लें। जितना पतला हो सके इसे उतना पतला बेलेंगे। अच्छे से बेलने के बाद यहाँ मैंने फ्लावर शेप की कटर लिया है। आप चाहे तो किसी भी शेप की ले सकते हैं, नहीं तो आप छोटी छोटी पूरियां बना के भी इसके बना सकते हैं। ये जो हमारी कटिंग है ये तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसे हम भरेंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी फ्लावर शेप की कटिंग रख के इसको चारों तरफ से हल्का हल्का दबा के एक फोक के जरिए इसको लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ फ्लैट पास्ता बना रहे हैं उसके लिए भी हम उसी तरीके से रोटी पतली पतली बेल लेंगे और एक पिज़्ज़ा कटर के द्वारा इसे हम काट लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छे से हटा लेंगे और इसको आपस में मिला लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरीके से हम डम्पलिंग और पास्ता तैयार कर लेंगे। फिर हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है, आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसे मैंने रफली ही चॉप किया है हल्का हल्का सा भून के। फिर यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। फिर यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने रफली चॉप ही किया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके स्वाद अनुसार मिर्च, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। फिर इसको मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे। इसे जब तक पकाना है जब तक दूध जो है पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए इसके अंदर। यह हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम गैस ऑन करके 1 भगोने के अंदर 1 जग पानी ले लेंगे। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल डाला है। पानी जब गर्म हो जाए तो हमने जो पास्ता तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे। पास्ते को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 3-4 मिनट तक ही पकाना है, और फिर हम इसे एक ठंडे पानी के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। फिर हम उसी पानी के अंदर जो हमने डम्पलिंग तैयार किए थे उसे भी डाल लेंगे। उसको भी हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, 3-4 मिनट तक ही पकाना है, उसे भी हम इसी ठंडे पानी में डाल लेंगे। फिर उसी पैन में जिसमें मसाला भुना था थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल के, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मैंने सेसमे सीड लिए। हल्का सा भूनने के बाद यहाँ मैंने 1 बारीक कटा प्याज लिया है, इसको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया था ऐड कर लिया। आपको जो भी वेजेस पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, उसे भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे कॉर्न लिए, इसे 1 मिनट के भूनने के बाद मैंने 1 टीस्पून मैदा डाल के इसे भी हल्का सा भून लिया है। उसके बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, 1 चम्मच ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। हल्का सा इसको मिलाने के बाद इसमें मैंने 1 क्यूब मैंने चीज़ ऐड किया है, आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, और इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने डम्पलिंग तैयार किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना,
इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। यह हमारा डंपलिंग तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, खाने में बहुत टेस्ट होती है। मेरी बेटी की तो ये फेवरेट है। फिर हमने जो मसाला तैयार किया था उसको एक जार के अंदर डाल के उसको एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर हम अपने पास्ते की तैयारी कर लेंगे। फिर हम एक पैन के अंदर उस पेस्ट को निकाल लेंगे और उसी जार के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसको इसमें ऐड कर लिया था। फिर से 1 मिनट तक पकाने के बाद हमने जो पास्ता तैयार किया था वो इसमें डाल लेंगे। ये पास्ता खाने में इतना यम्मी होता है, इसमें बिल्कुल भी मीठापन नहीं आता क्योंकि हमने बीटर रूट डाला है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मीठा टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास जो फीलिंग मैंने तैयार की थी वो बची हुई थी तो मैंने वही ऐड कर ली। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस या चीज़ क्यूब ऐड कर सकते। फिर इसे हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। यह हमारा क्रीमी मसाला पास्ता तैयार है। ये खाने में इतना यम्मी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।